हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में सीखने वाले हैं एडिटिंग ग्रुप के बारे में। एमएस एक्सेल में जो एडिटिंग ग्रुप दिया गया है, इसमें कितने ऑप्शन है और किस ऑप्शन का क्या यूज है, तो ध्यान रहे। मैंने आपको ये सारा ऑप्शन पढ़ा दिया था, बाकी क्या था? फ्लैश फिल, बोलो, फ्लैश फिल। और फ्लैश फिल का शॉर्टकट की जो होता है वो होता है कंट्रोल प्लस ई। नोट कर लें, फ्लैश फिल। चलिए, इसको समझने के लिए, फ्लैश फिल को समझने के लिए आप लोग यहाँ पे एक डाटा बना लेना जो हम बना रहे हैं। और देखिए, मैंने यहाँ पे टाइटल लिख दिया और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक है, कुछ नाम हम फर्स्ट नेम में यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे हो गया राहुल, रमेश, रोहन, राम, रामू, रुपेश, राजन, रितेश। ठीक है, ये हमने टाइप कर दिया। अब टाइप करने के बाद यहाँ पे लास्ट में हमने लिख दिया यादव, यहाँ पे लिख दिया शर्मा, यहाँ लिख दिया वर्मा, यहाँ पे लिखा मिश्रा, गुप्ता, वर्मा, अशर्मा, दोनों एक साथ चलते। अब देखो, यह आंसर क्यों दिया, इसको समझने की कोशिश करना। जैसे होता क्या है, कई बार हम लोग कहीं पे काम करेंगे तो आपको डाटा थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से मिलेगा, मतलब टाइटल उसका अलग होगा, फर्स्ट नेम अलग होगा, लास्ट नेम अलग होगा, और उसके बाद से जब फिर से नीचे जब जाओगे तो फुल नेम में पूरा नाम नीचे होगा। फॉर्म भरते हो तो अक्सर ऐसा दिखाई देता है, एक टाइटल, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, और उसको जब नीचे आओगे फॉर्म कंप्लीट करोगे तो वहां पे फुल नेम दिखाएगा, मिस्टर रोहन शर्मा वर्मा जो भी है।
ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है एक्सेल में हम काम जब करते हैं तो हमको डाटा कुछ ऐसा मिल जाता है जिसमें फर्स्ट वाला हेडिंग हमारा अलग है, सेकेंड वाला अलग है, थर्ड वाला अलग, लेकिन हमसे कह दिया जा रहा है कि नहीं फर्स्ट वाला अलग है, सेकेंड वाला अलग है, थर्ड वाला अलग है। लेकिन आज मैं कह रहा हूँ इन तीनों को एक सेल में हमको करके दिखाओ इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा। तो मतलब आउटपुट का मतलब क्या, मतलब इस फुल नेम में आना चाहिए मिस्टर राहुल यादव, ठीक है, इस वाले में आना चाहिए मिस्टर रमेश शर्मा, ठीक है। तो अगर मैनुअली अगर हम कह दें इसको कर दो तो टाइम ज्यादा लगे, और टाइम क्यों ज्यादा लगेगा, क्योंकि मान लो डाटा पहले से बना बनाया है, लिखेंगे मिस्टर राहुल यादव, कॉपी पेस्ट करोगे तो भी काम नहीं करेगा, एक कॉपी होगा फिर से पेस्ट करोगे गड़बड़ हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो ध्यान देना, अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है आपके साथ तो उसके लिए इस्तेमाल करो फ्लैश फिल। फ्लैश फिल कहता है कि मुझे एक बार बता दो कि आपको करना क्या है, मतलब इनपुट हमको दे दो, ठीक है, और इनपुट देने के बाद से हम एक आउटपुट दिखा दे रहे हैं, और आउटपुट दिखाने के बाद से जहां तक आप लेके चलोगे मैं वहां तक उस रेंज को सेलेक्ट कर लूंगा और काम करूंगा। अब कैसे करूंगा तो समझिए, हम लोग बस सिंपल है, आ जाएंगे और लगाएंगे यहाँ पे, लिखेंगे मिस्टर राहुल यादव, मिस्टर राहुल यादव, बस इतना किया ना। अब बस कुछ नहीं करना है, अब ये नहीं कि ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे, देखो ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो भी मिस्टर राहुल 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 आ जाएगा, यह काम नहीं करने वाला है, यह फार्मूला कोई हमने नहीं लगाया है, बस यहाँ पे आ जाओ इसको और सेलेक्ट करके पूरा ये यहाँ तक सेलेक्ट कर दो, अब बस कंट्रोल ई। समारा ना, छोटा सा ऑप्शन है बहुत ही कमाल का है। चलो अब सपोज मान लो कहीं हम काम कर रहे हैं और वहां पे क्या हुआ है, फुल नेम एक में है, मतलब पूरा नाम क्या है एक में है, अब कहा जा रहा है वहां पे क्या टाइटल अलग कर दो, फर्स्ट नेम अलग कर दो और लास्ट नेम अलग कर दो। तो देखो बस हम आएंगे, देखो कितना समझदार है, हम बता देंगे मिस्टर और पूरा सेलेक्ट करके कंट्रोल ई दबा देंगे, सब में मिस्टर आ जाएगा। अब देखो कहो सर क्या दिक्कत, इसमें बहुत इजी है, मिस्टर लिखा इसलिए समझ गया मिस्टर मिस्टर लेके आना है, लेकिन देखो यहाँ पे राहुल है ना, पांचे करेक्टर है ना, यहाँ पर रमेश कितने हैं छह करेक्टर का है, रोहन पांच का है, राम तीन का है, फिर भी बहुत समझदार है, बस हम लिख देंगे बीच से निकाल दो राहुल को, किसको निकाल दो राहुल को, और इतना वो समझ लिया कि बीच से नाम निकालना है केवल, देखो ठीक है, मतलब ऐसा बहुत ही कम लोग कर पाएंगे, इंटर दबा दिए निकल के चला। लग रहा 10 बजे तक आ जाओगे तुम लोग आज, आओ तुमको नहीं कह रहे हैं, तो चलो अभी और आए, सबको कह रहे हैं, चलिए आते हैं। उसके बाद से क्या दिया है लास्ट नेम, और लास्ट नेम में क्या करेंगे हम लिख देंगे बस यादव, अब बस यहाँ पे सेलेक्ट करके अब तुम्हारी मर्जी यहाँ पे आ जाओ फिल पे और फ्रेश फिल। कुछ समाया, ठीक है, तो देखो पहले इसका इस्तेमाल लोग करते ही नहीं थे, अनाप्शन दिया था, अब पहले यही काम बहुत ही लेंदी होता था और पहले का तो रिजल्ट आ जाता था, लेकिन उसके बाद वाला रिजल्ट नहीं आ पाता था, लेकिन आज फ्लैश फिल जब से आया है, ठीक है, मतलब 2007 वाले में नहीं है, 10 वाले में भी नहीं है, 13 वर्जन में मिलेगा, 13 के बाद वाले ये ऑप्शन दिए गए, ध्यान देना ये फ्लैश फिल का एग्जाम्पल है, अगर नोट करना चाहते तो नोट कर सकते हो, थोड़ा सा एक लाइन है ऊपर से लिख लो, मतलब काम कैसे करेगा कभी फ्यूचर में अगर इस्तेमाल करना हो।
अने दिमाग में बैठ गया तो अच्छा है। मतलब लिखने का मतलब सारे काम लिखवाने चाहते हैं, मतलब टाइटल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और आ जाएगा फुल। ठीक है, अगर फर्स्ट फुल नेम हो तो टाइटल निकाल लेंगे, फर्स्ट नेम निकाल लेंगे, लास्ट निकाल, और दिमाग में अगर बैठ गया तो बहुत अच्छा है, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, और कौन सा ही चाहिए? कम लग रहा है, ये पांच छह फार्मूले का काम अकेले करता है आपको, ये कैसे? एक दो फार्मूला बना के दिखाएंगे आप, किसका किसका काम करता है। कंकेटनेस, राई, लैब, मीड, ये चार पांच फार्मूले का काम अकेले करता है, और पांचों को हम अलग अलग करके दिखाएंगे तुमको, और पांचों को अलग अलग कर करके दिखाएंगे, जितना अच्छे से रिजल्ट नहीं निकलेगा ये सिंगल उससे निकल के आएगा। ठीक है, आज लग रहा सर इतना ही मुझे है, जब वो पढ़ा दिए होते तो लगता नहीं सर सबसे अच्छा यही है, इसीलिए पहले अच्छा डोज नहीं दिया जाता है, खराब वाला तो ठीक है दौड़ाओ पैसा खा लो तब अच्छा इंजेक्शन लगा दो ठीक हो गया, इसका पैसा ज्यादा लगेगा। चलो तो क्लियर है, तो समझिए फिल में जितने ऑप्शन दिए थे हम सब फिल करके दिखा दिए। बोलो अब चलो आते हैं क्लियर में, हमने कल ऑप्शन बताया था क्लियर ऑल क्या होता है, क्लियर फॉर्मेट क्या होता है, और क्लियर कंटेंट्स क्या होता है। अब चलिए आते हैं क्लियर कमेंट क्या होता है यह समझते हैं, क्लियर हाइपरलिंक क्या होता है यह समझते हैं, और रिमूव हाइपरलिंक क्या होता है यह समझते हैं। तो चलो सबसे पहले हम आते हैं कमेंट पे, ये मान लो ये राहुल है और राहुल पे हम कुछ कमेंट दे दी, क्या इसको सेलेक्ट कर लेंगे और कमेंट देने के लिए कहाँ जाएंगे, याद है आप लोग को रिव्यू टाइम में आते हैं, हमें थोड़ा नहीं पढ़ाया था, और कमेंट पे आ जाते हैं, और मान लो इनका पैसा बकाया है तो कमेंट में ही दे देते हैं, तो कब दोगे पैसा? 12-11 को। ठीक है, कितना रुपए दोगे? तो 2500 जमा करेंगे। ठीक है, हमने दे दिया, अब आगे चल के अगर कोई पूछे बाबू राहुल का थोड़ा सा हिसाब की तो बता दो, हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्या रुकिए बता दिए, कमेंट इसलिए देते हैं हम। ठीक है, यहाँ इधर आएंगे नहीं दिखेगा, यहाँ आएंगे तुरंत दिखेगा। ठीक है, तो अगर किसी पार्टिकुलर एरिया में हम कोई कमेंट दिए हैं और उस कमेंट को हटाना तो सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट करते हैं, वही काम हम लोग कहाँ से कर सकते हैं। अब जैसे देखो इसमें क्या होता है, ऐसे सेलेक्ट सेलेक्ट करके कमेंट देंगे हटाएंगे और यहाँ से आ जाएंगे और कर देंगे क्लियर कमेंट, जहां जहां होगा वहां हट जाएगा, एक साथ एक ही लगाया हूँ एक हटेगा गायब, एक से ज्यादा लगाया हुआ तो वो भी गायब हो जाता, कोई दिक्कत? चलिए अगला है, ऑप्शन दिया है हाइपर लिंक, ये पढ़े ना, हाइपर लिंक क्या होता है कि उस लिंक से हम क्लिक करें जंप करके वहां पे चले जाएं, तो चलो हम लिंक दे देते हैं किसी का, तो हम लिख देते हैं यस के, और यस के पे क्या कर देते हैं कोई फाइल लिंक कर देते हैं, अब कहाँ से लिंक करोगे, पढ़ाए थे आप कंट्रोल के साथ के याद है, अब किसको करना है, इसने डाटा कुछ है इसी डॉक्यूमेंट्स में से कोई लिंक कर दे रहा है कुछ ईमेल एमसीक्यू वाई एस के मान लो, ओके कर दिया डाटा लिंक हो गया, अब वो एमसीक्यू पढ़ना है तो क्या करेंगे, बस क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ, या वैसे मैनुअली भी क्लिक कर सकते हैं इसमें तो तुरंत ओपन हो जाएगा, क्या ईमेल एमसीक्यू भूल गया अब वो कहाँ गया, यहाँ पे आ गया, क्वेश्चन पूछ रहा है उमंग एप्स को भारत में कब शुरू किया गया था, हमारा ना, तो ऐसे आप लोग क्या करोगे, ऐसे लिंक करके जा सकते हो, वही लिंक हम लगा दिए और नहीं रखना तो क्या करेंगे, क्लियर हाइपर लिंक क्या कर देंगे, क्लियर हाइपर लिंक क्लियर कर दिया, अब देखो क्लिक करूं जा रहा है नहीं जा रहा है, मतलब लिंक क्या हो गया क्लियर हो गया, लेकिन अभी भी लग रहा है कि इसमें लिंक लगाया गया था, तो इसके लिए दे दिया है क्या रिमूव हाइपरलिंक, अब कैसे
चलो लाते हैं और फिर से कंट्रोल के करके हम लगा देते हैं, डॉग के नाम से लिंक लगा दिया। अब दिख रहा है लिंक ना, हम पूरा एक बार में गायब कर देना चाहते हैं तो आ जाएंगे कहाँ पे, रिमूव हाइपर लिंक। लो कोई दिक्कत, सबको समझ आया? चलो ठीक है तब, अब उसके बाद से यह सब खत्म। अब आते हैं अगला, सॉर्ट एंड फिल्टर। तो याद करो हम सॉर्ट में कुछ ऑप्शन पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है? तो पहला दिया सॉर्ट ए टू जेड और दूसरा दिया सॉर्ट जे टू ए। बोलो पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, आप मैं सुनो पाया हो कि नहीं पाया हो? पाया हो, ठीक है? सॉर्ट ए टू जेड मतलब डाटा को जब असेंडिंग ऑर्डर में करना हो, और जे टू ए मतलब जब डाटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो। अब देखो वहां पे उतना समझ में नहीं आया था आप लोग को, हम लिख लिख के वैसे बता रहे थे, लेकिन आज देखो ये डाटा ये ऐसे बना है ना, यह बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको, ठीक है? तो सपोज मान लीजिए यही हमने लिखा है, यह लिखा है, ठीक है? तो लगभग नाम लगभग सब एक ही करेक्टर से लिखा है, तो यहाँ पे समझाऊंगा तो भी अच्छे समझ में नहीं आएगा आपको इसके लिए। हाँ लास्ट में सब समझा दे रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे समझना, यहाँ पर हम असेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहते हैं, मतलब पहले यस से आए तब भी से आए तब यस, मतलब जो भी है, ठीक है? करेक्टर जो आता है पहले वो ऐसे आना चाहिए, तो भैया लास्ट नेम को पूरे को सेलेक्ट कर देंगे। और देखो यह डाटा जहां जाएगा इसके बाद में जो है वो भी डाटा उसके साथ जाएगा, और इसके पहले वो भी डाटा इसके साथ में जाएगा, ठीक है? बहुत ही अच्छे से काम करता है, लेकिन दोनों तरीका इसमें दिया, कैसे करना चाहते हैं? तो चलो एक सीखो, पहले सॉर्ट ए टू जेड पे आते हैं। अब जैसे सॉर्ट ए टू जेड पे आते हैं तो दो ऑप्शन पूछ रहा है, एक है एक्सपेंड द सिलेक्शन और दूसरा दिया कंटिन्यू विद द पेरेंट सिलेक्शन। अगर एक्सपेंड करेंगे तो फायदा होगा, और कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे थोड़ा नुकसान होगा। आपको सर क्या फायदा क्या नुकसान? मतलब एक्सपेंड करने से फायदा यही होगा कि या तो जहां पे जाएंगे उनसे संबंधित लेफ्ट वाला जो डाटा है और उससे संबंधित जो राइट वाला डाटा उसके साथ है, तो आपको लग रहा है कि बीच में से डाटा शॉर्ट कर रहे हैं और लेफ्ट वाला डाटा भी हमको लेके चलना है और राइट वाला डाटा भी हमको लेके चलना है एक साथ में, क्योंकि डाटा इधर उधर ना हो, गलत ना हो, तो उसके लिए हमेशा एक्सपेंड द सिलेक्शन का यूज करें। किसका? एक्सपेंड द सिलेक्शन का यूज करें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमको केवल ऊपर नीचे बस यही करना है, ना लेफ्ट वाला ना राइट वाला, तो उसके लिए हमेशा इस्तेमाल करेंगे कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन, वो आपके ऊपर है। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा डाटा हो तो कभी कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि डाटा इधर उधर हो जाएगा। हाँ कब करते हैं? जब वो गोल सिंगल हेडी हो, ना इससे लेफ्ट साइड में कोई डाटा जुड़ा हो ना राइट साइड में जुड़ा हो, तो वहां पे कर सकते हैं। मतलब यहाँ भी करेंगे तो काम करेगा, लेकिन यहाँ पे करना उचित नहीं रहेगा। चलो हम करके दिखाते हैं आपको, तो पहले यही करके दिखा देते हैं आपको कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन। देखो शर्मा पे है रितेश, ठीक है? बर्मा पे है राज, एक बर्मा पे है रोम, लेकिन भाई कहीं भी जाएगा इससे मतलब नहीं है। देखो ये यही पर रुका रहेगा, देखो आ गया ना, मतलब यादव जी गुप्ता जी हो गए, ठीक है? मिश्रा जी कुशवाहा जी हो गए, चेंज हो जा रहा है ना, ऐसा जल्दी करेंगे नहीं, ध्यान देना। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप यहाँ से आइए और अंडू करिए। अब देखो मैं आता हूँ फिर से सेलेक्ट करता हूँ और सॉर्ट ए टू जेड पे आता हूँ और इस बार करूंगा कंटिन्यू नहीं एक्सपेंड द सिलेक्शन। अब देखो यादव मतलब राहुल यादव है, तो राहुल यादव जहाँ जाएंगे वही साथ लेके जाएंगे सॉर्ट। नहीं हुआ, अरे माइंड में सेट कर लो, हम अंडू कर रहे हैं, देखो क्या हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ, रिडू कर रहे हैं, दिख रहा ना अंतर? अब वही पे देखो, पहले जी से आया तब के से आया तब यम से आया तब यस से आया तब जी से आया, तो दिक्कत तो नहीं है। अब चलो आते हैं यहाँ पर फिर से अगला ऑप्शन है शॉर्ट जे टू ए, इसे ही इस्तेमाल होगा, चलो ये समझ आ रहा होगा। अब अगला है कस्टम शॉर्ट, अब कह रहा कोई बात नहीं, एक तो आप ए टू जेड कर लिए हो, एक जे टू ए कर लिए हो, अब कस्टम शॉर्ट में क्या ऑप्शन दिया है? या बताता है कि अगर मान लो ना आपको एबीसीडी से रिलेटेड काम करना है, ठीक है, ना नंबर से रिलेटेड काम करना है, ना किसी डेट से रिलेटेड काम करना है, कलर के हिसाब से आपको डाटा को आइडेंटिफाई करना है, सॉर्ट करना है,
तो आते हैं कस्टम सॉर्ट पे, मतलब कलर के हिसाब से भी डाटा को सॉर्ट किया जा सकता है, आपको ये कैसे, चलिए देखते हैं। कलर के हिसाब से करना है तो मैं आ जाऊंगा यहाँ से और यहाँ तक डाटा हम सेलेक्ट कर लेंगे और फिल पे आ गए, और फिल पे आके हम कलर इसका चेंज कर दिए दूसरा, और इसका हम कलर कर देते हैं फॉन्ट वाइट, ठीक है। फिर हम यहाँ पे बीच में आ जाते हैं, तीन यह सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कोई कलर कर लेते हैं दूसरा सपोज, कलर के हिसाब से डाटा बनाया, ठीक है। और ऐसा भी लोग बनाते हैं, मतलब और भी कलर दूसरा ले लो तो और अच्छा दिखेगा, ठीक है। ये भी अगर मान लो बिता तो बीच में या कर के कोई दूसरा भी कलर सेलेक्ट करो, फॉर एग्जाम्पल अब देखो इस डाटा को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके कहाँ जाते हैं सॉर्ट में और आ जाते हैं कस्टम में। अब कस्टम कहता है कि सॉर्ट बाय किसकी हिसाब से करना चाहते हो, लास्ट नेम बोला ना, किसके हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से ना, किसके हिसाब से, सेल के ना, फॉन्ट कलर ना, सेल कलर जी, ठीक है। तो सेल कलर का हम सेल कलर हमें यह पढ़ रहे हैं, सेल कलर यही बताइए, ठीक है। और सेल कलर में देखो कितने कलर दिया, ठीक है ना, यहाँ पे बस आप सेलेक्ट कर लो। चलो हम सोच रहे हैं कि इसमें जो दुनिया दूसरे नंबर पे है कहाँ पे आ जाए, पहले पे आ जाए। अब देखो क्या होगा, डाटा भी जाएगा, हो रहा है बाबू, ये तरीके हैं आप लोग करके देख सकते हैं, ये कस्टम शॉट का यही होता है। चलो इस बार फॉन्ट कलर के साथ कर ले, तो फॉन्ट कलर कलर एक ही कलर है, व्हाइट और ऑटोमेटिक ब्लैक, तो व्हाइट वाला पहले है। अब कह रहा है ऑन टॉप या बॉटम, टॉप या बॉटम पे, टॉप पे बीच में कर दिया, ओके तुम्हारा है। चलो अब इस बार हम वैल्यू के साथ करना चाहते हैं, तो वैल्यू अब कह रहा है वैल्यू मतलब इसमें यही ए टू जेड है, जेड टू ए दिया जो वहां से किए और यहाँ भी दिया, कोई दिक्कत। चलो अब लगा दिए, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं हेडर, हाँ अगर यहाँ पे हेडर अनचेक रहा था दिक्कत हो जाती, क्या दिक्कत हो समझ रहे हो, हेडर भी ऊपर नीचे जाता है, क्या हेडर भी ऊपर नीचे जाता है, इसीलिए इसको रहने देना, कुछ करना मत, अरे मैं करके दिखा दे रहा हूँ, बोलो अनचेक कर दे रहा हूँ। आप देखो क्या होगा, सेल कलर बॉटम तो हेडर को वही लॉक किए हैं, बाबू रुके रहो तुम्हारी जरूरत नहीं है, ठीक है हम फरिया लेंगे, ध्यान देना यहाँ क्लिक करके अपनी सब सेट कर ली, अब क्या फिर से सही करना पड़ेगा अंडो तो कस्टम शॉट भी समझ में आया सबको, या बोलो। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन दिया है क्या, फिल्टर। चलो ये तो हम पूछेंगे आप लोग से, बहुत फिल्टर का यूज करते हैं तुम लोग, पता है फिल्टर क्या होता है, इसका सूद इसका मूल और कोई बताए, चलो हो गया तुम्हारा स्कूल, और कोई दूसरा भी बताए, फोटो के अलावा दूसरा पर कहीं नहीं निकल पा रहे हो, कोई बात नहीं ना लगाओ, ठीक है फोन चलाते हो ना, अच्छा ठीक है बहुत ईमानदार है। चलो ध्यान दो, देखो फिल्टर का यूज सभी लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन हम फोटो साफ करने वाला फिल्टर नहीं भी बात करते, ठीक है। सबसे ज्यादा दिमाग चल रहा है फोटो फोटो फोटो, देखो यहाँ पे फिल्टर बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। फिल्टर कई जगह लगा होता है, ठीक है, आपके बाइक में फिल्टर लगा होता है, एयर फिल्टर होता है, ये दिमाग नहीं काम कर रहा है,
ठीक है, आपके फोर व्हीलर में फिल्टर लगा होता है जो तेल को फिल्टर करता है, वो वाला दिमाग नहीं कर भाई, फोटोग्राफी वाला दिमाग चलता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, आप लोग ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ठीक है, मीशो, इसमें फिल्टर ऑप्शन दिया है, कभी देखे हो? ठीक है, वहां पर करते हो, वो सब नहीं चल रहा है दिमाग में, दिक्कत है यही ना, कि जो काम लोग करते हो बार बार माइंड आता है, ठीक है, पता चल गया भाई फोटोशॉप करता है फिल्टर, ठीक है, तो ध्यान देना। ऐसा ही इसके बाद याद आ गया है कि एक्सेल में इंटरव्यू देने चला गया था, और एक्सेल में इंटरव्यू देने गया था और पूछ दिया था कि फिल्टर का क्या यूज है, यही आंसर दिया था, फोटो साफ करने के फिल्टर, ठीक है, ये गलत है। हाल ही में भी गया था 2-3 महीने पहले, ठीक है, यहाँ दुर्गा ट्रेडिंग कुछ है कर्मी वाले रोड पे जो इधर जाता हो, ठीक है, वही आए थे इंटरव्यू ले रहे थे, तो फोटो के बारे में ही बताया था, फिल्टर करते हैं, फोटो साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, ठीक है, ब्लर करते हैं, ये सब बताया आपको, ध्यान देना। यहाँ फिल्टर का मतलब यह है कि जब बड़े से डाटा में से, जब किसी पार्टिकुलर एरिया के हिसाब से अगर हमको डाटा मैच कराना हो, निकालना हो, रिपोर्ट कहीं भेजना हो, देखना हो, तो उसके लिए फिल्टर ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट का इस्तेमाल करते हो, अगर कोई शर्ट सर्च करो तो हजारों शर्ट आ जाएंगे, लेकिन किसी का अमाउंट 2,000 रहेगा, किसी का 500 रहेगा, किसी का 100 रहेगा, किसी का 1 लाख रुपया रहेगा, लेकिन मैं जानता हूँ मेरी क्षमता है 500 रुपया तक खरीदने का, ठीक है, तो वहां फिल्टर ऑप्शन दे दिया है कि बाबू जितनी क्षमता है वही सेलेक्ट कर लो, फिर पसंद आ रहा है 1 लाख रुपया वाला पैसा है 500 रुपया, तो गड़बड़ हो जाएगा, तो लोग क्या करते हैं वहीं पे फिल्टर लगा देते हैं, और जैसे फिल्टर लगा देते हैं तो वहां पे वैल्यू दिया जाता है 1,000 से लेकर 5,000 के बीच में, या 100 से 200 के बीच में, या 300 से लेकर 400 के बीच, मतलब शॉर्ट ऑप्शन फिल्टर दिया जाता है, तो आप फिल्टर का क्या यूज है, मतलब जितने शर्ट होते हैं उसको हटा देता हो, और वो जो रेंज देता है उसकी सबसे डाटा निकाल के दिखाता है कि तो मुझे उसी में पसंद करना है, मेरी उतनी क्षमता है, तो ज्यादा देखने का क्या मतलब, ठीक है, तो वैसे एक्सेल में भी जब हम ये डाटा बनाए हैं, चलो इस पे नहीं बताते, इस पे बताते हैं, एक्सेल में हमने जो डाटा बनाया है उसमें मुझे चेक करना है कि हमारे यहाँ कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल पढ़ावना के पढ़ने आते, लोकल के कितने, या कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे यहाँ केवल टीएफए में पढ़ते, तुरंत रिपोर्ट भेजना, ठीक है, तो कई लोग छांटेंगे, अच्छा पढ़ाना का 1, 2, 3, 4, और छांटो कॉपी करके पेस्ट करो कहीं, फिर अगर कोर्स के हिसाब से तो डीसीए टाइम लगेगा, लेकिन आप बताओ, बस आ जाओ पूरे को सेलेक्ट करो, और पूरे को सेलेक्ट करने के बाद सब लगा दो फिल्टर, तो फिल्टर जैसे लगाओगे हम स्क्रॉल डाउन लिस्ट बन जाएगी, देखियो ऐसा लिस्ट कभी देखे होगे, और बस हमको चेक करना क्या पढ़ रहा हूँ ना कर, बस यहाँ क्लिक करो और सेलेक्ट ऑल को हटा दो, पढ़ रहा पे क्लिक करो, ओके करो, बस पढ़ रहा ना कितने सबका डाटा, अब ये रिपोर्ट भेज दो जहाँ भेज, तुम्हारा ना, तो एरिया वाइज हो गया, अगर मान लो एरिया वाइज नहीं चेक करना आपको, तो सेलेक्ट करो, सेलेक्ट ऑल करो, ओके करो, सब आ जाएगा, हाँ इस बार कोर्स के हिसाब से पता करना है, तो मैं चले क्लिक करता हूँ सेलेक्ट ऑल, और मुझे डीएफए का चेक करना है कितने हैं ऐसे, ओके 3 लोग का डाटा, आपको जरूरी नहीं कि एक ही कंडीशन लगा सकते हो, हम लगा लें डीएफए के साथ साथ, आपको देखना है डीसीए वाला भी, तो क्लियर है, चलिए, और हटाना है तो क्या करोगे, अब एक बात और, हम चेक करना चाहते हैं कौन से ऐसे स्टूडेंट जिनका 12,000 फीस जमा हो गया, कितना 12,000, बस आ जाओ यहाँ पे बैठ दो, हटा दो सबको, 12,000 को सेलेक्ट कर लो, बस दो ही स्टूडेंट है जो 12,000 फीस जमा किए, तो निकाल दिए, बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया था इसका, मतलब बड़े से डाटा को छांटना हो और अपने हिसाब से छांट करके देखना हो तो किसका यूज करें, फिल्टर का, जैसे गाड़ी में फिल्टर जो तेल डालते हैं उसको क्या करता है, सही वाले को बाहर फेंक देता है, हाँ, या खराब वाले को बाहर छांट देता है, जी जो जरूरी है उसको अंदर भेजता है, वैसे ये भी है, जिसका मुझे यूज नहीं करना है उसको नहीं सेलेक्ट करते, जिसका यूज करना उसको सेलेक्ट करते, उसका इस्तेमाल करके हम देख लेते, तो आज के बाद से कोई क्वेश्चन पूछे फिल्टर ऑप्शन का क्या यूज है एमएस एक्सेल में, ठीक है,
हमेशा बताना क्या, बड़े से डाटा में से किसी पार्टिकुलर पर्सन आईडी और किसी नेम के हिसाब से अगर डाटा को छाटना हो तो वहां पर किसका यूज करेंगे, फिल्टर का। आप कहेगा हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप भोजपुरी समझाना है, ठीक है, तो समझ जाओगे तुम लोग, क्लियर है ना। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, इतना आप लोग करिएगा, इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद से जो अगला ऑप्शन दिया है वो फाइंड दिया, रिक्वेस्ट दिया, गो टू दिया, वो सब आगे का टॉपिक है। मतलब ये तो जानते ही हो आप लोग, फाइंड क्या होता है, गो टू क्या होता है, रिप्लेस क्या होता है, लेकिन यह वाला ऑप्शन जो दिया ये नहीं जानते हो, तो आज हम समझा भी नहीं पाएंगे ना समझ पाओगे, लगभग 10 दिन पढ़ने के बाद ये समझ में आएगा, तो परेशान मत होइएगा।